वाई पाटिल विश्वविद्यालय में भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आईपीएस आईजी जनाब कैसर खालिद जी ने डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय में पढ़ रहे एडवोकेट स्टूडेंट को टिप्स बताए। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है और इस मौके पे डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टूडेंट लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक इंटरेक्टिव सेशन रखा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, आज के सोशल सिचुएशंस में इसकी क्या रेलिवेंस है, स्टूडेंट ने कैसे रिलेट करना चाहिए और लॉ और पुलिस का, इनफैक्ट लॉयर्स और पुलिस का आपस में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, इन सब इश्यूज़ पे आज यहाँ बात हुई। एक हमारी यहाँ स्पीच थी, उसके बाद बच्चों के साथ इंटरेक्शन का सेशन था, तो उनके जहन में जो भी सवाल थे, जो डाउट था, उसको क्लियर किया गया। और हम लोगों ने ये इम्प्रेस करने की कोशिश की कि बच्चों को कि लॉ एक बड़ा नोबल सा प्रोफेशन है और उनको हर हाल में रूल ऑफ लॉ उसको कायम करने के लिए कोशिश करना चाहिए। और रूल ऑफ लॉ और कुछ नहीं है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि देश के जितने भी नागरिक हैं वो आपस में बराबर हैं, हमको वैसे ही उनके साथ बिहेव रखना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए, और किसी के साथ अगर इनजस्टिस होता है तो उसको जस्टिस दिलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनिकेत गौतम व DCP कोकाटे जी की भी मौजूदगी रही। देखिए, आज यहाँ मैं डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में हूँ और आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लीगल फील्ड से किसी भी संबंध रखने वाले, लीगल फील्ड से संबंध रखने वाले हर किसी व्यक्ति के लिए आज इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 26 नवंबर है। 26 नवंबर हमारे देश में लॉ डे करके मनाया जाता था, अब कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाया जाता है ऑफिशियली। इस सरकार ने, मोदी जी के गवर्नमेंट जब आया 2014 में, तो उन्होंने 2015 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाया। और इसका रेलेवेंस 26 नवंबर का इसलिए क्योंकि इन द ईयर 1949 ऑन दिस डे 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था। और 1979 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि हम इसको नेशनल लॉ डे के रूप में मनाएंगे और अब कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाते हैं। तो और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हिंदुस्तान का, जो भारत का संविधान है हमारे देश का, वो मेन प्रिंसिपल है उसमें कि कैसे सरकार चलेगी, कैसे इस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस चलेंगे, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स किधर है, स्टेट सेंटर का रिलेशनशिप पॉलिसी, बहुत कुछ है उसमें। इट्स अ मेन चार्टर डॉक्यूमेंट, ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल है। और तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए आवश्यक है, हमारे देश के सारे नागरिक के लिए। और सरकार इस पर इसलिए इसको संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाने का उन्होंने इसको मना रहे हैं। और सारे सरकारी दफ्तर में, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में और अलग ऑफिसेज में भी इसको मनाया जाता है। और डीवाई पाटिल में चूँकि ये लॉ कॉलेज है, तो और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, उनको अभी इस स्टेज में ही वो वैल्यूज़ इनकलकेट होगा उनमें, और ऐसा मुझे देख के भी लगा। तो अभी से ही वो उस रास्ते में, डायरेक्शन में जाएंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे, तो वो सही रहेगा उनके लिए। हम मौजूद हैं डीवाई पाटिल कॉलेज में, हमारे साथ में एडवोकेट हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे डीवाई पाटिल की, जो बच्चों को सिखाती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, स्कूली बच्चों को डीवाई पाटिल में आप सिखाती हैं किस तरह वकील बनना है और किस तरह समाज में जाकर समाज की सेवा करना है और वकालत किस तरह कोर्ट में करनी है, क्या कहना है आपका? डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ इज़ अ बेस्ट फोरम फॉर द स्टूडेंट्स टू टेक एडमिशन फॉर लॉ। एज इन बींग अ लॉयर, आई माई सेल्फ वुड ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स टू कम टू डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी एंड टेक एडमिशन टू द स्कूल ऑफ लॉ, एज इन बिकॉज वी ओनली नो नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन एकेडमिक्स और ऑन ओनली बुकिश नॉलेज, वी एज वेल एज प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद प्रैक्टिकल नॉलेज। एज इन यस्टरडे ऑन 25th November वी हैड अ हाई कोर्ट विजिट, सो दैट स्टूडेंट्स वुड अंडरस्टैंड डे टू डे वर्किंग ऑफ द कोर्ट। एंड देन अगेन कंबाइनली द नेक्स्ट डे वी हैड अ लेक्चर विद कैसर खालिद सर, हु इज अगेन एन एक्सपर्टाइज ऑफ लॉ एज वेल एज एडवोकेट गो। So here we are not just concerned about giving only the degree to students. We need our students to understand what is actual practical life being as a lawyer. So whenever our students walk out of the college with a degree of 5 years or 3 years, my students would be a best student who will have practical knowledge and the bookish knowledge, complete package going out of DY Patil University.
बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे यहाँ पर आते हैं और यहाँ से अच्छा सीख कर जाते हैं और वकील बनते हैं और भारत देश में अपना नाम रोशन करते हैं, डीवाई पाटिल का भी नाम रोशन करते हैं। ऐसे में उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगी? ऑफ कोर्स आई विल टेल स्टूडेंट्स दैट डीवाई पाटिल यूनिविवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी हु विल गाइड यू, मोटिवेट यू एंड हैव अ बेस्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अगेन डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी इज हैज़ अ मिशन एंड अ विजन टू मेक द गिव द कैंडिडेट द बेस्ट best knowledge and best practical things both together to make the student best in his profession as well as in the society. सर, मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया और इस डे पे हमारे साथ आई जी सर थे और अनिकेत सर सुप्रीम कोर्ट लॉयर मौजूद थे, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को काफ़ी गाइडेंस दी कैसे उन्हें अपने जीवन में आगे इन फ्यूचर लॉस को एप्लीकेबल करना है और आगे अपने करियर में किस तरह से इंटर्नशिप्स, कैसे प्रैक्टिकल नॉलेज उनको हेल्प करेगा, पुलिस और एडवोकेट का कोऑर्डिनेशन टू गेन जस्टिस। सो जो उनके व्यूज़ और उनके आइडियाज़ थे, उन्होंने स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प किया और आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स को एक काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डे हमने ओथ ली ऑफ द प्रीएम्बल और इट्स अ गुड एक्सपीरियंस आई थिंक। जो भी चीफ गेस्ट्स थे आज, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम बिकॉज बेसिकली हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस को बुक्स में पढ़ते थे और आज हमने जब उनसे फेस टू फेस इंटरेक्शन किया सो वी केम टू नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉज एंड ऑर्डर्स एंड वी शुड अंडरस्टैंड। और आई विल रियली अप्रिशिएट कैसर खालिद सर फॉर एक्सप्लेनिंग अस द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुक्स बिकॉज आज की जनरेशन वाकई में यूट्यूब्स एंड गूगल्स पे इतना खो गई है कि वो किताबें उठाती ही नहीं है और जो एक्चुअल नॉलेज है वो किताबों से ही मिलता है। तो आई रियली अप्रिशिएट अवर कॉलेज डी वाई पाटिल दैट दे हैव ऑर्गेनाइज सच अ ब्यूटिफुल कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड वी होप फर्दर दैट वी विल सेलिब्रेट दिस डे एवरी ईयर विथ एन अप्रिसिएशन एंड अ न्यू कलीग्स। थैंक यू। अनिकेत गौतम सर और कैसर खालिद सर हमारे बीच में आए एंड वी रियली गॉट टू नो वेरियस थिंग्स अबाउट हिम। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके क्योंकि जिस प्रोफेशन में वी आर वर्किंग एट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज मीट सच मोटिवेशन स्पीकर्स। सो या इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस शेयरिंग द रूम विद देम। उन्होंने हमें बताया लीगल सिस्टम और पुलिस जैसे साथ में चलते हैं, वो सुन के अच्छा लगा कि हम भी आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ। उनको सुन के हमें इंस्पिरेशन भी मिली, मोटिवेशन मिली कि हम भी आगे बढ़े लीगल सिस्टम में, आगे अच्छा करें, उनके साथ काम करें। बस उनको देख के उनसे मिलने का भी जो मौका हमें मिला है कॉलेज से, वो भी उसके लिए भी हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं। सर केसर खालिद जी से बहुत कुछ सीखने मिला, जैसे कि बहुत मोटिवेशन मिली, फिर उन्होंने बहुत हमें इंस्पायर किया है जिस वजह से हम आगे लाइफ में बढ़ने की हमें एक उम्मीद मिली है, एक इंस्पिरेशन मिला है, तो हम बहुत थैंकफुल है उसके लिए। जैसे जब भी हमारे कॉलेज में कोई गेस्ट आते हैं तो ऑलवेज एक न्यू फ्रेश एनर्जी आती है कि कोई हमें सिखा के जाएगा कुछ नई चीज़ एक फील्ड के बारे में। तो जैसे अब खालिद सर आए तो इट वाज लाइक वो एजुकेशन के बारे में बोल रहे थे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बोल रहे, कैसे हम लॉ स्टूडेंट्स की तरह हम अच्छा कर सकते हैं इस देश को, तो उसके बारे में बात करते। ऊपर से उन्होंने उसके बाद एक इंटरैक्टिव सेशन रखा था जिसमें उन्होंने क्वेश्चन आंसर करे थे, आंसर किए थे क्वेश्चन, तो वो बहुत एम्पावरिंग था और बहुत एजुकेशनल था। जैसे वो हमें लाइक वो अपना बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गए हम पे। एंड जैसे अनिकेत सर थे तो अनिकेत सर हुई वो सो ओपन एंड नाउ आफ्टर दिस ब्रेक ही विल बी गिविंग अस ही विल बी जजिंग अवर कॉम्पिटिशन राइट नाउ। सो आई फील दैट जो भी हमारे जो भी डी वाई पाटिल लेके आते हैं गेस्ट की तरह, वो हमेशा ही बहुत डिफरेंट स्किल्स होती हैं उनकी और ऐसा होता है जो वो हमें एम्पावर करके जाते हैं, हमें मोटिवेट करके जाते हैं कि हम कैसे आगे बेटर लॉयर्स बन सकते हैं। आज हमारे साथ आईपीएस आईजी खालिद कैसर साहब और साथ में एडवोकेट गौतम, ये जो थे ही इज़ अ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, तो उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग हाउ पुलिस और लॉयर्स कैसे साथ में ऑपरेट करते हैं, कैसे काम होता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे दे आर ऑल्सो ऑफिसर्स ऑफ लॉ एंड दीज आर ऑफिसर्स ऑफ द जुडिशरी सिस्टम, तो इन सब का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, किस तरह इन सर्टन केसेस के अंदर जहाँ पे एक साइड विक्टिम को रिप्रेजेंट करती है, कभी एक साइड अक्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं और इनका कैसे रेजोल्यूशन और इसका सोसाइटी के लिए नेसेसिटी क्यों है
और इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके नेगेटिविटीज़ क्या होती है कभी कभी, इस सब पे इन्होंने आज हमको एक अच्छा लेक्चर दिया, जिससे काफ़ी बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट है और एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए अप्रोच है। बिकॉज एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम लोग जो बुक्स होती है या जो बेसिक चीज़ें होती है उस पर ध्यान देते हैं, ये काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है बिकॉज ये ऑलरेडी सिस्टम के अंदर है।